जिलाधिकारी विजय किरण आनंद और एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा की अध्यक्षता में राजस्व और पुलिस अधिकारियों की बैठक का आयोजन पुलिस लाइन के सभागार में किया गया। बैठक में आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने, अवैध कच्ची शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने, भूमि विवाद के मामलों को सुलझाने सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि बैठक में थानों और तहसील के कार्यों की समीक्षा की गई है। बैठक में हिस्ट्री शीटर पर कार्रवाई तथा थानों में सुनवाई पर विशेष रूप में चर्चा की गई है। डीएम ने बताया कि आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने, भूमि विवाद से संबंधित मामलों को चिन्हित करके कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जनता की समस्याओं के निस्तारण के लिए चौपाल लगाया जा रहा है, जिससे कि जनता की समस्याओं को सुनकर मौके पर ही निस्तारण किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रयास है कि जनता से जुड़कर उनके समस्याओं का न्यायपूर्वक निस्तारण किया जा सके। उन्होंने कहा कि त्योहारों को देखते हुए सभी अधिकारियों को त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं। बैठक में एसपी सिटी सोनम कुमार, एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी, एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह, एसडीएम सहजनवा सुरेश राय, एसीएम अरुण कुमार सिंह, एएसपी सीओ राहुल भाटी, सीओ कैंपियरगंज अजय कुमार सिंह, कैंट थाना प्रभारी सुधीर कुमार सिंह, कोतवाली थाना प्रभारी कल्याण सिंह सागर, बासगांव थाना प्रभारी राणा देवेंद्र प्रताप सिंह सहित जनपद के सभी एसडीएम और थाना प्रभारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, सभी अधिकारी आ गए थे, सीओ और एसडीएम खल्ली साहब नहीं आए मेरे कहेंगे कि मैं और डीएम साहब ने अभी एक डेढ़ महीना हुआ ज्वाइन किए, डेढ़ दो महीने है, तो एक बार एक दूसरे से भली भांति परिचित हो जाए हम लोग। तो हम मेरा नाम डॉक्टर विपिन है, मैं एसएसपी गोरखपुर हूँ 10 अगस्त को। मेरा नाम सुमन कुमार है, मैं एसपी सिटी हूँ 2 दिसंबर को चार्ज किया गया। अरुण कुमार सिंह, एसपी रूरल दक्षिणी। देते हुए अपना मास्क आप लोग हटा दीजिएगा ताकि सबको नजर आ जाए। मनोज अवस्थी, एसपी सीओ कैंपियरगंज अजय कुमार सिंह, मई 2021। सीओ दुर्गेश कुमार सिंह, कैंपियरगंज 31 अगस्त। जय मिशन कुमार मित्रा, एक्सपो जगह 2021 से हूँ। बैठकें करते रहते हैं, तो आज ये विशेष बैठक आमंत्रित की गई थी मेरे द्वारा और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा, और विस्तृत रूप से समीक्षा सर्कल वाइज, तहसील वाइज, थाना वाइज की गई है। हिस्ट्री शीटर्स पे कार्रवाई, हीनियस क्राइम्स की में जो कहे थानों में जो सुनवाई होनी है, निरोधात्मक कार्रवाइयाँ, दंडात्मक कार्रवाई, सभी पे कार्रवाई हुई है और निर्देश भी दिए हैं। शासन के मंशानुरूप आगामी त्योहारों के लिए जो तैयारी होनी है और जो भूमि विवाद है उनको चिन्हित करके कार्रवाई करना है उसके बाद भी है, और हाल ही में जो
अच्छी सफलता की कहानी आ रही है, उसके लिए टीम को बधाई भी दी गई, और जहाँ पे कुछ घटनाएं हुई हैं जिसमें सीख लेनी है उसके बारे में भी उनको बताया गया है, और एक आउटरीच प्रोग्राम चला रहे हैं निरंतर विभिन्न चौपालों के माध्यम से और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लोगों तक सुनवाई हो, लोगों के जितने भी समस्याएँ उसका निदान हो, स्थायी निदान हो, इसके लिए प्रयासरत हैं पूरा प्रशासन, और कोशिश यही की जाएगी कि लोगों से जुड़ के उनकी समस्याओं को सुनकर निराकरण किया जाए, न्याय हो हर स्तर पर और निष्पक्ष स्वतंत्र कार्रवाई हो। इसी सिलसिले में आज बैठक की गई है और अच्छी चर्चाएं के साथ अच्छी बैठक हुई है, और सभी पूरी टीम ने आज संकल्पित होते हुए ये किया है कि त्यौहारों को सकुशल शांति व्यवस्था के साथ संपन्न कराएंगे और पूरी तैयारी के साथ इसमें हम लोग करेंगे। नहीं, पूरा रोड मैप बनाया है, ये बैठकें नियमित रूप से होती हैं, लेकिन आज ये भी था कि जहाँ जहाँ अभी हम लोगों को मेहनत करनी है त्यौहारों के दृष्टिगत और आगामी चुनाव के लिए भी जो तैयारी होनी है, जो निर्देश हैं चुनाव आयोग के उसके संबंध में भी, और जहाँ अपराध या अन्य गतिविधियाँ जो हो रही हैं उसके लिए दंडात्मक कार्रवाई जो करनी है, जैसे चाहे वो इन्वेस्टिगेशन हो, इश्यू शीटर्स के खिलाफ कार्रवाई हो, माफियाओं का चिन्हीकरण हो, वहाँ पे गैंगस्टर गुंडा अधिनियमों में उनको आच्छादित करने का हो, ये सभी गतिविधियों में हम लोग अभी सक्रिय होकर काम करेंगे और पूरे पारदर्शिता के साथ इसको पूरा करेंगे।